सो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं चर्च। सो गाइस जैसे कि अनमोल ने आपको बताया आज है मैरी क्रिसमस और इसलिए हम जाएंगे अभी चर्च। लाल लाल कलर की मैंने जैकेट तो पहन लिया है, कई लोग मेरे को सेंटा ना समझ लें। अनमोल के साथ अनमोल को मैंने वैसे टॉफी भी खिलाई है आज, इक्लेयर्स वाली। अनमोल कौन सी वाली थी? इक्लेयर्स। इक्लेयर्स वाली टॉफी भी खिलाई है। तो अब देखते हैं रास्ते में क्या क्या होता है, मिलते हैं फिर आपको। बाय बाय। सो गाइस पहुंच गए हैं हम गांधीनगर चर्च के पास और रश देखो यार, भीड़ भी देखो, इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है ना यहाँ पे। अनमोल लेना है, ये लेना है। नो गाइस भीड़ देखो यार कितनी ज्यादा हो रही है। और ये है भीड़। तो गाइस ये है गांधीनगर की सबसे मशहूर चर्च। रश देखो भाई साहब, ये पुलिस वाले भी लगाए हुए, इतने ज्यादा रश है ना यहाँ पे। तो जी यहाँ लगी है इतनी बड़ी लाइन और ये देखो या फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगी है क्योंकि आग वाग भी लग सकती है ना, तो इन्होंने पहले से ही तैयारी कर रखी है। और जी रश देखो जम्मू शहर का रश। तो जी ये है यहाँ की चर्च और आज है क्रिसमस का डे। और देखो कितनी सुंदर सजाई है, ये देखो यार। चलो चलो भैया स्लाइड और यहाँ पे चल रही है जी प्रेयर, जो क्रिसमस पे प्रेयर होती है ना वो यहाँ पे चल रही है, सारे कर रहे हैं। ये देखो आपको आवाज भी आ रही है पीछे। जीने के लिए ताकत पाओ, डुप्लीकेट नहीं, दुनिया के गुलाम नहीं, खुदा के असली हस्ती आपसे दर दौलत ताकत या पैसे नहीं। प्रभु आपके हर एक कमजोरी को चाहता है, हर एक कमी कमजोरी को चाहता है, इसलिए अपने कमी कमजोरियों को यहाँ चढ़ा कर जाए। गाइस इन्हीं चेयर्स में ये बैठ के प्रेयर होते हैं यहाँ पे, जब मतलब रश नहीं होता ना यहाँ पे, तो यहीं पे चेयर होते हैं, यहीं पे चेयर में करते हैं जी प्रेयर। तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे ना प्रेयर करके, काफ़ी मज़ा आता है मेरे को तो, बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे ही पीस फील होता है मेरे को, थोड़ा पीस चाहिए हो ना, यहाँ पे आके प्रेयर करो, कन्फेस करो, काफ़ी अच्छा लगेगा। कृपया लोग जो लोग ऐसे ही खड़े हैं वो अपने घर में जाएं, बाहर ना रहें, तो कृपया मास्क पहन कर रखें, मास्क ना पा रहे हैं। चलो ये है हमारी फैमिली की नई लड़की, इसका नाम है मानवी। इसको दुनिया में ना कुछ भी पसंद नहीं आता, चाहे आप इसको ताज होटल का कोई भी कुजीन भी खिला दो ना आप, इसको कभी पसंद नहीं आएगा। ये बोलेगी इससे अच्छा तो घर पे। तो जी अनमोल ने किया है विश की, काश भगवान जी जल्दी 10 से 20 हो जाएं, जल्दी जल्दी जितनी भी जल्दी हो सकता है। तो अब अनमोल साथ में आया तो मोमोज खाने तो बनते ही हैं।
तो मिलते हैं फिर आपको एक नई जगह और नए मोमोज के साथ। लेट्स गो। एक शर्त पे तुझे मोमोज खिलाऊंगा, अगर तू उन 10 में से मेरे को एक से मिलवाएगा ना तो आज तू जो बोलेगा वो खिलाऊंगा तुझे। बता मिलवाएगा? बता बता ना कैमरे में बोल के, बता खिलाएगा मिलवाएगा? क्यों, एक से तो मिलवा दे। कोई नहीं गाइस, मिलवा के रहूँगा ही मैं आपको एक ना एक में से कोई भी कोई भी। तो गाइस चलते हैं हम आपको खिलाने मोमोज। वहाँ फूड ऑन व्हील्स एक नया कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे मज़ा ही आएगा खाने का, आपको दिखाता हूँ। वहाँ भी बड़े अच्छे मोमोज मिलते हैं, चटनी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है, मेरे को लिटरली टेस्ट चटनी बड़ी टेस्टी होती है। तो मिलते हैं वहाँ मोमोज वाली साइड। गाइस यहाँ गांधीनगर में लगा मेला, चलो अच्छा इसी का आने थोड़ा मेला ही देख लेते हैं, देखते हैं क्या क्या बना हुआ है यहाँ पे। एक्चुअली ये मेला नहीं, एक्चुअली सेल लगी हुई है, देखते हैं कुछ मिलता है खरीदने के लिए कि नहीं। रहा जी हमारा हंगरी हॉप, जो फूड ऑन व्हील्स बता रहा था ना मैं, यहाँ पे यहाँ ही मिलते हैं टेस्टी टेस्टी मोमोज। लेट्स गो। तो गाइस यहाँ पे है स्टीम मोमोज, मोमोज फ्राई, शाही, क्रीमी मसाला सब है यहाँ। मंगाएंगे वेज स्टीम मोमोज, देखते हैं कैसे इसका टेस्ट। जी सामने है जी रसाले का, यहाँ की सबसे टेस्टी होती है रसमलाई, बड़ी टेस्टी होती है। और तो गाइस आ गए गरम गरम मोमो, अनमोल देंगे आपको रिव्यू इस मोमो का कैसा है। कोई ऐसी चीज़ है कहीं ऐसी जगह जहाँ तेरे को कोई पसंद नहीं आया, कोई भी ऐसी जगह कभी ना, सब कुछ पसंद आता है, सारा का सारा जो मिल जाए, है नी। मोमोज काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे लेकिन टेस्ट को थोड़ा ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता था, हल्का सा टच देखिए, चटनी नो डाउट बड़ी टेस्टी है, थोड़ा सा यू नो इम्प्रूवमेंट हो सकती है। अब मंगवाए हैं जी चाउमीन, दिखा दो मैं चाउमीन, कलर तो होती है इसका गरम गरम। हाँ जी मानवी जी कैसा टेस्ट? अच्छे हैं। कितने? एवरेज। एवरेज। जा रहा हूँ जिम और खा रहा हूँ चाउमीन, ये मैंने तो खाने नहीं थे, अनमोल ने मुझे बोला खाने के लिए, मेरा बिल्कुल मूड नहीं था खाने का। अनमोल कोई नहीं, जिम वाले को बताऊँगा तू नहीं बोला। सो गाइस अब रसाली का आए हैं तो फिर रसमलाई खा के जाते हैं, फिर रसमलाई नहीं खाएंगे तो बेचारी बुरा मान जाएगी, तो चलो चलते हैं। आपका कौन सा फेवरेट है मुझे जरूर बताना। ये आ गई जी रस मलाई, रस शिलकर की, या बड़ी टेस्टी।
बड़ी ही ज्यादा टेस्टी होती है। हाँ जी मानवी जी, कैसी लगी आपको रसाली का की रसमलाई? क्यों करा दुनिया में तुझे भी कुछ पसंद आया? नहीं स्वाद था, वो स्वाद है। हाँ तो ऐसे तो कुछ नहीं पसंद आता तुझे दुनिया में? कैसे आ गई? जैसे आती है, मतलब दूध अच्छा था, रसमलाई अच्छी थी, क्या था उसमें अच्छा? उसका तो सब कुछ ही अच्छा था। सो गाइस फाइनली आ गए हैं घर पे, खा के रसमलाई और मोमोज और साथ में चाउमीन नानी के लिए लेके आया था, लेकिन इनको पसंद ही नहीं आया, पता नहीं कैसे करा। हाँ लो पैकिंग। ये मेरे को बोलते हैं खाली वीडियो के लिए, तू बोलता है ते आपके लिए लेके आऊंगा, लेकिन असली में नहीं लेके आता। मैं चाउमीन लेके आया हूँ आपके लिए, वहाँ पे ही पड़े हुए हैं। मैं खाती नहीं। अब आप नहीं खाते इसमें, फिर मेरा नहीं कसूर ना कोई भी। चलो कोई नहीं, आपको अगली बार रसमलाई खिलाने ले जाएंगे फिर एक साथ में, क्योंकि आप ताजी ताजी रसमलाई खाओगे तभी मजा आएगा, ऐसे मजा आएगा। हम रसमलाई खिलाएंगे आपको। चलो देखते हैं, खाते हैं। गजरेला बनाया है इन्होंने, तो इसी के साथ गजरेला खाते हैं और करते हैं इस ब्लॉग की एंडिंग। तो मिलते हैं फिर आपको नई ब्लॉग में। बाय बाय टाटा।